सक्सेस का अड्डा। आज के वीडियो में हम लोग ट्रायल बैलेंस के बारे में सीखेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जनरल लेजर, अब हम लोग इस वीडियो में ट्रायल बैलेंस सीखेंगे। ट्रायल बैलेंस होता क्या है, ट्रायल बैलेंस के हम लोग कैसे करते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग उसको समझेंगे। तो पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस से समझने के लिए, हमने पहली भी वीडियो में हमने बताया था, हमारी पहली वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में बिजनेस रिलेटेड सारी चीज़ें हमने बताई थी। तो इस वीडियो में मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस को इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊँगा रूल, उसके उससे अगर आप लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो आपको बहुत इजी वे हो जाएगा, अब बहुत आसानी हो जाएगी, उससे आप ट्रायल बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बिजनेस में हमने आपको बताया था कैपिटल होती है, ठीक है, कैपिटल के बाद एक्सपेंस होता है, ठीक है, फिर इनकम होती है, इनकम भी होती है, इनकम के बाद आप बताइए अब एसेट भी होता है, एसेट के बाद लायबिलिटीज भी होती है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कैपिटल को, स्टूडेंट्स जब भी आपको कैपिटल दिखाई दे तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। एसेट को डेबिट, लायबिलिटीज को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो ये बात आ गई समझ में। अब आप लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए कि एक्सपेंस क्या होते हैं, इनकम क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सीरियल वाइज सारी चीज़ें दे देगा, फिर उसको बोलेगा प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए आपको एक्सपेंसेस भी पता होने चाहिए, इनकम भी पता होनी चाहिए, एसेट भी पता होना चाहिए, लायबिलिटीज भी पता होनी चाहिए। कैपिटल तो समझ में आ गया कि कैपिटल है, ठीक है। एक्सपेंस में जैसे सपोज आपको दिया होगा कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरेस्ट, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन। इस तरह से हमारे बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेज होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं, मेरी पहली वीडियो में आपको पूरे इसके डिटेल में मिल जाएंगे। इनकम की बात करें, इनकम में आपको जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसकी एक खासियत होती है, इसमें रिसीव वर्ड लगा रहता है, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, या रेंट रिसीव्ड हो गया, तो इस तरह से ये आपकी इनकम होती है। एसेट्स में आपको बता दूं, एसेट्स में कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, ये आपके एसेट्स हो गए। लायबिलिटीज की बात करूं, लायबिलिटीज में आपको क्रेडिटर, इधर डेटर, स्टॉक, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, ये बैंक से भी हो सकता है या किसी से भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसकी बात करें तो प्रीपेड एक्सपेंस। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती है। कुछ रूल और समझ लीजिए, परचेज को हमेशा क्या लिखते हैं, डेबिट लिखते हैं, सेल्स को क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न की अगर हम लोग बात करें, परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट होता है। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की बात करें, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है।
परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। और सेल्स रिटर्न को क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड। तो अगर क्वेश्चन में रिटर्न इनवर्ड दिया हो तो हम लोग इसको डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनके भी यहाँ पे हम लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस में आपको क्या दिया होगा, एक सीरीज दी होगी या एक टेबल दी होगी, उसमें ये सारे कुछ दिए होंगे और अमाउंट दी होगी, बोलेगा ट्रायल बैलेंस बनाइए। तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग इन सबको पहले सीक्वेंस से लिख लेते हैं, फिर हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि बिल्डिंग कहाँ आएगी, डेबिट में आएगी, लाइबिलिटीज कहाँ पर आएगी, क्रेडिट में आएगी, ये लाइबिलिटीज होता है तो हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझ पाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और कैसे सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का हम लोग फॉर्मेट समझ लेते हैं, ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है। तो स्टूडेंट देखिए, आपके क्वेश्चन में सीरियल नंबर दिया है, सीरियल नंबर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसका कॉलम बनाना चाहो तो बना सकते हो। फिर यहाँ पर हम लोग बनाते हैं हेड ऑफ अकाउंट, फिर उसके बाद LF, फिर डेबिट, क्रेडिट, ये हम लोग इस तरह से बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग पहले जितने भी सीरियल नंबर से हेड ऑफ अकाउंट नेम दिए हुए हैं उनको नोट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले सीरियल से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सीरियल से ये लिख दिया। अब कैपिटल कहाँ आता है? क्रेडिट में आता है, ठीक है। तो क्रेडिट में हम लोग अमाउंट डाल लेते हैं, अमाउंट है 2 लाख, तो 2 लाख क्रेडिट में डाल दिया, ठीक। तो स्टूडेंट्स, कैश डेबिट, कैश कहाँ आता है? एसेट हमारी डेबिट में आता है, तो डेबिट में अमाउंट डाल देंगे 1,80,000, ठीक है। क्रेडिटर हम लोग कहाँ आते हैं? क्रेडिटर हम लोगों की लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज को हम लोग क्रेडिट में डालेंगे। हम लोगों के ये अमाउंट कितना है क्रेडिटर का? 1 लाख, ठीक है, ये हो गया। सेल्स हमारा कहाँ आता है? सेल्स हमने आपको बताया था क्रेडिट में आता है, तो सेल्स का अमाउंट हम लोग क्रेडिट में डाल देंगे। कितना अमाउंट है स्टूडेंट, देख के बताइए। तो सेल्स का अमाउंट देखिए 3 लाख है, तो 3 लाख डाल दिया हम लोगों ने। स्टॉक, स्टॉक डेबिट है, स्टॉक हमारा डेबिट में आएगा क्योंकि एसेट है, ठीक है। तो स्टॉक का अमाउंट देख के बताइए, 70,000, तो 70,000 डाला। डेटर्स डेबिट में आएंगे, डेटर को अमाउंट हम लोगों ने 3 लाख डेबिट में डाल दिया। बैंक लोन हम लोगों के, बैंक लोन हम लोगों की लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज है तो क्रेडिट में आएगा। परचेज डेबिट है, हमने बताया था परचेज डेबिट में आएगा, तो इसका अमाउंट डाल देते हैं। का क्रेडिट का दोनों इक्वल आने चाहिए, इक्वल आता है तो हम लोगों का क्वेश्चन सही है। चलिए फिर टोटलिंग आप लोग करिए। तो स्टूडेंट्स, दोनों का टोटल 7,50,000 आ रहा होगा, आप लोगों का भी आ रहा होगा, चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं आ रहा तो चेक कर लीजिए कहाँ मिस्टेक की है। तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन हुआ, अब हम लोग इसी का अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कॉलम बनाते हैं, कॉलम बनाने के बाद हम लोग सीरियल से पहले सारे नंबर, सारी डिटेल्स लिख देते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले ये सीख लिख लिया एक सीक्वेंस में, अब हम लोग इनका अमाउंट डालते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? हमारी लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी में डालेंगे। तो लाइबिलिटी में अमाउंट डालते हैं हम लोग, इसका अमाउंट देखिए आप लोग 85,000 है, तो 85,000 हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है। सेल्स का अमाउंट कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा, तो सेल्स का अमाउंट डालते हैं। परचेज रिटर्न, हमने आपको बताया था परचेज डेबिट होती है, तो परचेज रिटर्न क्या होगी? क्रेडिट होगी, तो क्रेडिट में अमाउंट डालेंगे, तो क्रेडिट में डालते हैं। डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, तो डेबिट में अमाउंट डालते हैं, तो डेटर्स का अमाउंट डालते हैं। वेजेस डेबिट होते हैं, डेबिट में अमाउंट डालते हैं, इसमें अमाउंट डालेंगे 96,000 की,
कैपिटल कहाँ जाती है, क्रेडिट में जाती है, तो क्रेडिट में अमाउंट डालेंगे। स्टूडेंट्स हम लोगों को यहाँ पे कैपिटल की अमाउंट निकालनी है, तो कैपिटल की अमाउंट हम लोग निकालनी है तो इसको छोड़ दिया, ठीक है। परचेज डेबिट में है तो डेबिट में डालते हैं, परचेज डेबिट में 445 ये डाल दिया। कैश इन हैंड डेबिट में आएगा, क्रेडिटर क्रेडिट में आएगा, सेल्स रिटर्न सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, तो ये अमाउंट हम लोग डाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं, हम लोगों को कैपिटल का बैलेंस निकालना है, तो कैपिटल जाहिर सी बात है क्रेडिट में आती है, डेबिट में तो आती नहीं है, तो डेबिट का हम लोग टोटल करते हैं। टोटल करने पे हम लोगों का टोटल करिए, आप लोग बताइए कितना आता है। तो टोटल किया हम लोगों ने, यहाँ का आया 12,91,250, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोगों का कैपिटल का टोटल दिया होता, कैपिटल का बैलेंस दिया होता तो ऐड करते बराबर आता, तो जब बराबर आता तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं फिर 12,91,250। अब इसमें से अगर हम ये सब माइनस कर दें तो हमारा कैपिटल का बचेगा बैलेंस, हाँ बचेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, ये हम लोगों को निकालना था। तो हम लोगों ने इस वाले से इन सब को माइनस किया तो हमारा आया 158,750। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का मिसिंग फिगर था, मिसिंग फिगर निकालना होता था, तो ये हम लोगों का एक क्वेश्चन हो गया। और स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है, आपको आपने क्वेश्चन लगाया ट्रायल बैलेंस का, कभी कभी बैलेंस दोनों इक्वल नहीं आता है, फिर आप दोबारा रीचेक करोगे, दोबारा रीचेक करने पे पता चलता है कि हमारा बैलेंस फिर भी नहीं आ रहा है, और जबकि हम लोगों ने सारी एंट्रीज सही करी है। तो उसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट्स के नाम से ओपनिंग कर देते हैं। तो सपोज मान लीजिए इधर का हम लोगों ने टोटल किया और इधर का कम आ रहा है, तो अगर सारी एंट्री आपका कॉन्फिडेंट होगी सही है, तो सही होने पर जब कम पड़ता है, जिस साइड का कम पड़ता है, तो उधर हम लोग सस्पेंस अकाउंट के नाम से डाल देते हैं। तो ये सस्पेंस अकाउंट होता क्या है, कभी कभी हम लोग की ट्रांजैक्शन हो जाते हैं उसकी एंट्री नहीं होती है, तो उसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है। तो ये सस्पेंस अकाउंट जब हम लोग ट्रांजैक्शन की एंट्री रिकॉर्ड होती जाती है, सस्पेंस अकाउंट अपने आप ख़त्म होता जाता है। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस का टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। सो आपको आई होप ट्रायल बैलेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे हम लोग फाइनल अकाउंट का वीडियो पे आएंगे, हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट क्या होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।